लगातार तीसरी बार गंदवानी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बने जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मीणा ने समर्पित कार्यकर्ताओं, अनेक कल्याणकारी योजनाओं तथा बड़े पैमाने पर किए गए विकास कार्यों की बदौलत अब की बार गंदवानी विधानसभा से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। भाजपा प्रत्याशी मीणा ने, जो धार जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, वे हाल ही में स्वीकृत पंचायत के विकास कार्यों के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु अल्प समय के लिए बाग पहुंचे थे और जनपद में अधिकारियों एवं सरपंचों की बैठक लेकर उन्होंने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विश्राम गृह बाग पर भाजपा नेता कार्यकर्ताओं द्वारा अपने लाडले प्रत्याशी सरदार मीणा का गर्मजोशी से स्वागत किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा प्रत्याशी सरदार मीणा ने कहा कि 15 वर्षों से काबिज वर्तमान कांग्रेस विधायक के खाते में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है। क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निदान में उनकी विशेष रुचि नहीं दिखाई दी। भाजपा के केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को ही वे अपनी उपलब्धि बताते आ रहे हैं। जनता अब जागरूक हो चुकी है, वो जान चुकी है कि हर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने वाली भाजपा की सरकार ही उनकी सरकार है। इस चुनाव में भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता एवं गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं के माध्यम से गंदवानी विधानसभा में अब की बार भाजपा अपना विजय परचम फहराएगी। विश्राम गृह पर बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशियों का पुष्पहारों से स्वागत कर बधाई दी। बाग से ब्रज जाजू की रिपोर्ट। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार विश्वास करके मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन के बहुत बहुत आभारी हूँ और मेरे ये कार्यकर्ता वरिष्ठ नेतृत्व हमारा जो खड़ा है, इनके माध्यम से इस बार हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये गंदवानी विधानसभा जीत के हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन को देंगे। ये हमारा लक्ष्य है और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे हम ये सीट जीतेंगे। आज 2013 से यहाँ से कांग्रेस के विधायक है, लेकिन धराताल पे एक 20 समाज और संगठन और जनता का काम क्या हो तो बता दे। वो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, गांव में जाकर जनता उसको जवाब देगी इस बार। उस विधायक को 15 साल का उसका आतंक है और उसका आतंक इस बार हमारे कहने के हमारे शीर्ष नेतृत्व युवा नेता सारे नेतृत्व लगा हुआ है और उसको इस बार का जवाब हर पल्ले मिलेगा।